खबर दंतेवाड़ा जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में हुई मुठभेड़ में दो नक्सली को ढेर कर दिया। दरअसल दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में थाना किरंदुल क्षेत्र अंतर्गत पुरंगेल गमपुर के जंगल में सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स जवानी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी और नक्सल गश्त सर्च अभियान के दौरान पुरंगेल गमपुर के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली और एक महिला नक्सली को मार गिराने में दंतेवाड़ा पुलिस को सफलता मिली। बता दें कि मारे गए नक्सलियों में एक नक्सली के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने 2 नग हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की है। दंतेवाड़ा से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। आदरणीय आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर एवं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय सर के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दंतेवाड़ा जिला के सरहदी क्षेत्रों में भी गश्त नक्सल सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना किरंदुल के पुरंगेल गमपुर क्षेत्र में दरभा डिवीजन व पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला दंतेवाड़ा की डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम व सीआरपीएफ की 111 वाहनी, 230 वाहनी, 231 वाहनी की